व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड नमस्कार। जैसा कि अभी दिसंबर का महीना है और विंटर का सीज़न है, तो हम लोगों को विंटर के सीज़न में अपने पौधे में छिड़काव करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए और मिट्टी में देने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा फूल बहुत अच्छी तरह से आए। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, कली बहुत अच्छी तरह से बना रहा है और उसमें फंगस भी नहीं लगे हुए हैं। सिर्फ हिबिस्कस का ही प्लांट नहीं, ये हमारा रोज़ का प्लांट जैसे कि आप देख सकते हो कली बहुत अच्छी तरीके से बना रहा है, गुलदाउदी का प्लांट, और इसमें बहुत अच्छी तरह से फूल आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कली बहुत अच्छी तरीके से बन रही है। और ये भी है हमारा पिंक रोज़ का प्लांट, इसमें फूल आता है, मैं सुबह सुबह तोड़ ली थी पूजा करने के लिए, इसमें भी कली बन रही है जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे सदाबहार का प्लांट कितने अच्छे तरीके से फूल बना रहा है। तो ऐसा मैं क्या करती हूँ जिससे हमारे पौधे में कली बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, फूल भी अच्छी तरीके से बना रहा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जो मैं आप लोग उपाय बताऊँगी वो सभी प्लांट के लिए होगा, सभी प्लांट में आप उपयोग कर सकते हो, फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब्जी वाले पौधे, आप सभी में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप इंडोर प्लांट को छोड़कर कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग उपाय बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, दिसंबर के महीने में आप कुछ भी उपाय कर लो, चाहे कितनी भी खाद डालो, चाहे आप कितनी फर्टिलाइज़र डालो, जब आप धूप अपने प्लांट में नहीं लगाओगे तो खाद और ना तो फर्टिलाइज़र काम करेगा। इसलिए आप लोगों को अपने पौधे में कम से कम 8 घंटा तक आप लोगों को धूप लगाने हैं, जिससे जो भी आप खाद डालोगे वो अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो चलिए कैसे प्रोसेस करना है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो दोस्तों, प्रोसेस करने के लिए मैं आप लोगों को लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करने बता रही हूँ, जो कि आप अपने मिट्टी में दे सकते हो, छिड़काव नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग इसे मिट्टी में डाल सकते हो। तो कैसे आप लोगों को लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है अब मैं आप लोग बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना है छिलके का रस, इसमें मेरा प्याज के छिलके का रस है जैसे कि आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं प्याज के छिलके का रस ले रही हूँ तो आपको भी प्याज का छिलका का रस ही लेना है, आप कोई भी छिलके का रस ले सकते हो, लेकिन प्रोसेस उसका भी होता है कि आप लोगों को ये छिलके का रस कैसे रेडी करना है। अब छिलके का रस को कैसे रेडी करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेना है 1 लीटर पानी, 1 लीटर के पानी में आपको कम से कम 100 ग्राम आप लोगों को छिलका लेना है, जो भी आप छिलका ले ले हो, लेकिन हाँ उस छिलके में आप लोगों को अदर छिलका नहीं मिलाना है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें मेरा पूरा प्याज का छिलका ही है, तो आप लोगों को भी एक ही रस लेना है, चाहे वो हमारा हो बैंगन का छिलका का रस या फिर आलू का छिलका का रस, आप लोगों को एक ही छिलका का रस लेना है, 100 ग्राम ले लेना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को डाल देना है 1 लीटर के पानी में और उसको आप लोगों 10 दिन तक सड़ाना है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा भी सड़ गया है, सड़ने के बाद उसमें स्मेल आता है लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पौधे में काम करता है, क्योंकि ये हमारे एक एंजाइम और एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बन जाता है, अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाता है, इसे 10 दिन तक छोड़ दोगे तो मैं भी वैसे ही की थी, 1 लीटर के पानी में 100 ग्राम मैं ली थी प्याज का छिलका और अच्छी तरह से मैं इसको 10 दिन छोड़ दी हूँ, स्मेल आ चुका है और रिज़ल्ट आप देख सकते हो 10 दिन के बाद कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट आता है। अब हम लोगों को इसका उपयोग कैसे करना है अपने पौधों में अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको छान लूँगी, तो मैं यहाँ पर चाय छन्नी ले ली हूँ और मैं यहाँ पर एक बाल्टी ले रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, आप लोग भी छान लेना अच्छी तरह से, मैं भी छान लेती हूँ। मैं छान ली हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, छानने के बाद जो हमारा ये रेसिड्यू बच जाएगा ना, आप लोगों को इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, आप इसका बना सकते हो कंपोस्ट, जो कि 3 महीने में रेडी होता है। अगर आप अपने घर में वर्मी कंपोस्ट बना रहे होंगे तो वो पॉट में आप ये जो बच जाएगा रेसिड्यू, आप लोगों का छिलका का रेसिड्यू जो बच जाएगा, छिलका बच जाएगा, आप लोगों को उस पॉट में डाल देना है, जिससे हमारा 3 महीने बेहतरीन हमारे कंपोस्ट बनके रेडी हो जाता है। तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, कंपोस्ट आपको इसका बना लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसको छान ली हूँ और लिक्विड हमारा निकल चुका है, कुछ इस टाइप से हमारा लिक्विड दिख रहा है। छानने के बाद आप लोगों को लेना है छना हुआ पानी। अगर आप अपने घर में जैसे कि बनाते होंगे चावल, तो चावल को ज़रूर धोते होंगे, धोने के बाद जो हमारा पानी निकलता है उसमें, उसको आप उपयोग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने घर पर डोसा बना रही हूँ, तो डोसा बनाने के लिए मैं यहाँ पर फुलाई हूँ अपना ये चावल और उड़द दाल को, जैसे कि आप देख सकते हो, तो जो हमारा ये पानी बचा है ना, इसका मैं उपयोग करूँगी। आप लोगों को भी छना हुआ पानी
लेना है। आप कोई भी चीज़ का छना हुआ पानी ले सकते हो, चना का या फिर उड़द दाल का, कोई भी का आप छना हुआ पानी ले सकते हो। खाना बनाने के लिए आप ज़रूर वो चीज़ को धोते होंगे ताकि उसमें जितनी भी गंदगी है वो सब बाहर निकल जाए, लेकिन वो जो हमारा गंदगी बाहर निकलता है वो हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप लोगों को वो लिक्विड ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी फूल आई हूँ, तो मेरा यह जो लिक्विड है मैं भी यहाँ पर ले लूँगी। तो फटाफट से मैं छान लेती हूँ। छान ली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आप लोगों को अभी बताई हूँ, शायद ही आप लोग को ये बताया होगा, और मेहनत भी उतना नहीं लगता है और घर के वेस्ट सामान से बन जाता है। जब आप इसे अपने पौधे में डालते हो तो पौधा हमारा एकदम तंदुरुस्त रहता है, फूल वगैरह को बहुत अच्छी तरह से आने मदद करता है। मैं आप लोगों को पहले रिजल्ट दिखा चुकी हूँ। तो ये हमारा कम से कम 2 लीटर लिक्विड होगा, तो 2 लीटर के लिक्विड में आप लोगों को 2 लीटर आप लोगों को सादा पानी मिलाना है, यानी कि आप लोगों को 1:1 का रेशियो करना है। तो मैं भी हम फटाफट से 2 लीटर मिला लेती हूँ। अगर आपका 1 लीटर लिक्विड बन के रेडी हुआ होगा तो आप लोगों को 1 लीटर पानी मिलाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 2 लीटर डाल दी हूँ। हमारा बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बन चुका है पौधे में यूज़ करने के लिए, आप इसे सभी पौधे में डाल सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को डालकर दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को डालना वही पॉट में है जिसका मिट्टी सूखा होगा, जिसमें ऑलरेडी पानी होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मिट्टी में ऑलरेडी पानी है, नमी है, इससे भी हमारा नमी है, तो ये सब में हम लोग नहीं डालेंगे। आप लोगों को वैसी मिट्टी में डालना है, वैसे पौधे में डालना है जिसका मिट्टी पूरा सूखा हुआ रहे, और आप लोगों को ये उपाय सुबह करना है ना कि शाम को। वैसे भी सर्दियों के मौसम में आप लोगों को कोई भी उपाय सुबह के टाइम ही करना चाहिए। अगर आप शाम को करते हो ना तो उससे हमारे पौधे में फंगस लगने की चांसेस ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी आप लोग उपाय किया करो, जो भी खाद डाला करो, तो आप लोग सुबह को डाला करो। तो चलिए मैं आप लोगों को डालकर दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा अपराजिता का प्लांट फूल अच्छी तरह से बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो फूल आया हुआ है और इसका मिट्टी हमारा सूखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें मैं डाल रही हूँ, ये हमारा कम से कम 5 इंच का पॉट, तो 5 इंच के पॉट में मैं इसमें 200 ml डालूँगी अपना ये लिक्विड। ये हमारा मिर्च का प्लांट, जैसे कि आप देख सकते हो मिट्टी पूरा सूखा हुआ है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये हमारा 6 इंच का पॉट है, तो मैं 6 इंच के पॉट के हिसाब से मैं इसमें कम से कम 300 ml डालूँगी। तो मैं यहाँ पर डाल दी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। अब सवाल रहा है कि आप लोगों को ये प्रोसेस कितने दिन में करना है, तो ये प्रोसेस आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो, ज़रूर करना हफ्ते में, जिससे हमारा पौधा एकदम स्वस्थ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा भी पौधा स्वस्थ है एकदम। अब मैं थोड़ा सा आप लोग बता देती हूँ कि अगर आप छिड़काव करना चाहते होंगे जिससे हमारे प्लांट में बिल्कुल ही फंगस वगैरह ना लगे, पत्तियों में कोई भी फंगस ना लगे, जैसे मिलीबग वगैरह लगता है, तो फंगस से मुक्त पाने के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को यही लिक्विड लेना है। उसमें आप लोगों को बस आप लोगों को नीम ऑयल डालना है। अगर आपका 2 लीटर होगा तो आप 4 ml डालना, अगर आपका 1 लीटर होगा तो आप लोगों को 2 ml डालना है। डालने का आपको अच्छी तरह से घुला लेना है। आप लोगों को पंप स्प्रे लेना है, पंप स्प्रे आप लोगों को वो लिक्विड को डाल देना है और अच्छी तरह से आप लोगों को अपने पौधों में स्प्रे कर देना, यानी कि छिड़काव कर देना। आप सभी पौधों में छिड़काव कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंडोर प्लांट को छिड़काव करने से क्या होगा, फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दें कि दिसंबर के महीने में आप लोगों को अपने पौधे में कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे हमारा पौधा एकदम स्वस्थ रहे, कीड़े नहीं लगे, फूल भी अच्छी तरह से आए। तो आई होप से समझ में, तो वीडियो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।